उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे इतना घटिया इल्जाम लगने की? उसे माफी मांगनी होगी तुझसे आसमा, मैं अभी लेकर आता हूँ उसे। अब सवाल माफी का नहीं, सवाल तो ये अरमान कैसे सोच सकता है उसका मुझ पे शक करना। पापा हमारे हमारे रिश्ते के घर पे मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा अरमान ऐसा सोच सकता। तूने ठीक से सोच लिया, बहुत बड़ा कदम है। मैं जानती हूँ बाबा ने किस सफर में मैंने एक एक कदम अरमान के साथ चलने का सोचा था, वही वही मुझे अकेले चलने का फैसला लेना पड़ रहा। मैंने मेरे और अरमान के रिश्ते में हमेशा 100% दी। उडारिया सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं बड़ा ट्विस्ट। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आलिया है वो प्रॉपर प्लान बना चुकी होती है आसमा के बच्चे को गिरवाने का, आसमा का एबॉर्शन करवाने का। वही बच्चे पे अरमान ने नहीं, मेरे पास तो कोई और रास्ता नहीं बचा, मुझे ये करना ही होगा। मैं उसकी सिर्फ बीवी नहीं, मेरे बच्चों की माँ भी। उसने सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे बच्चे की भी इज्जत। अब मैं उसका साया भी हम पर नहीं पड़ने दूंगी। उसे उसका शक मुबारक और मुझे मेरे बच्चे। यहाँ पर उसने कान भर दिए हैं। अरमान की मॉम के बुआ जी भी दे रही है आलिया का साथ। आसमा को पिलाया जाता है जूस, कर दिया जाता है बेहोश, लेकर जाया जाता है हॉस्पिटल एबॉर्शन के लिए। सही मौके पर आसमा को आ जाता है होश और यहाँ पर आसमा कर रही है अपना बचाव। पहले तो अरमान की मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि ये बच्चा अरमान का ही है, नहीं यकीन हो रहा है तो चलिए डीएनए टेस्ट करा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आलिया और बुआ जी इस टेस्ट को होने ही नहीं देती और अरमान की मॉम जबरदस्ती करती है नर्स के साथ कि चलो अब आसमा को जबरदस्ती लेकर जाओ, इंजेक्शन लगाओ, अबॉर्शन करो, हमें मुर्तजिम का बच्चा चाहिए ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं आसमा अपना बचाव करती है, यहाँ पर जो उसे मिलता है उससे बचाव करने लगती है और ऐसे में अरमान की मॉम के गलती से चोट लग जाती है, जिसके बाद बुआ जी बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करती है, आसमा को फंसाने की कोशिश में लगी हुई है। अब अरमान को इन सारी बातों पे यकीन हो पाएगा या नहीं, आसमा की साइड लेगा या फिर अपनी मॉम की, देखना इंटरेस्टिंग होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।